हेलो एंड वेलकम टू गार्गी क्लासेस। जैसा कि अपना लेक्चर टू के अंदर डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका था, जिसमें अपन ने फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान को स्टार्ट किया था, उसमें अपन ने राजस्थान को चार पार्ट्स में डिवाइड किया था, जो इस तरीके से हैं। नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट रीजन हो गया था, दूसरा होता है आपका अरावली रीजन, तीसरा होता है ईस्टर्न प्लेन रीजन और चौथा होता है साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। ठीक है, तो इनमें से अपन ने अभी तक नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट रीजन को अच्छे से कवर कर लिया था, कॉम्प्रिहेंसिवली पूरी डिटेलिंग चेक कर ली थी, क्या क्या क्लाइमेट रीजन्स हैं वहाँ पे, क्या क्या लैंड मास अवेलेबल है, कौन से टाइम का वो लैंड मास है, और टेथिसी का क्या रिमेन्स है, उसका क्या पास्ट रहा हुआ, सारी डिटेलिंग अपन ने चेक कर ली थी। आज अपन पढ़ेंगे अरावली रीजन के बारे में, तो चलिए आगे चलते हैं अरावली रीजन के बारे में स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि अरावली रीजन जो है वो कौन सा वाला रीजन है। ठीक है, तो अगर राजस्थान के मैप को अगर अपन देखें, तो ये आपके सामने स्क्रीन पर है, तो ये वाला सेक्शन अपना पूरा कवर हो चुका है, जिसके अंदर अपन ने जो ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया थार, ओके, नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट, उसके बारे में अपन ने डिटेल से स्टडी कर ली। तो आज अपन इस वाले सेक्शन के बारे में बात करेंगे जो पिंक कलर में है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अरावली रीजन। ठीक है, तो जिस तरीके से स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, अरावली रीजन को बेसिकली चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला नॉर्दर्न अरावली, फिर मिडिल अरावली, फिर मेवाड़ हिल्स एंड प्लेट्यू ऑफ भोराट, ये बोला जाएगा इसको, मेवाड़ हिल्स एंड प्लेट्यू ऑफ भोराट, भोराट, ठीक है। और एक है आपका सेगमेंट ऑफ आबू माउंटेन्स। तो इस तरीके से चार पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इसको अपन डिटेलिंग में चेक करेंगे। ये जो डिवीजन है, इसको अपन थोड़ा और अगर फ्लो चार्ट वाइज देखें तो इस तरीके से देखा जा सकता है। अपना आज जो मेन फोकस है वो अरावली रीजन है। अरावली रीजन के अंदर आप देख सकते हैं चार पार्ट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न अरावली रीजन, मिडिल अरावली रीजन, मेवाड़ हिल्स एंड भोराट प्लेट्यू और एंड आबू माउंटेन्स, इस तरीके से चार सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। इसकी डिटेलिंग अभी अपन आगे पढ़ते हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहली बात, ये जो रीजन है वो अपन ने देखा सेंट्रल रीजन है राजस्थान का। जो ये अगर मैप देखें अपन, सॉरी वन सेकेंड, राजस्थान का जो मैप है अपना, उसकी अगर बात करें तो अरावली रीजन है वो सेंटर में आता है। ठीक है, तो इस रीजन को अपन ने क्या बोल दिया, सेंट्रल अरावली रीजन। ठीक है, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सेंट्रल अरावली रीजन क्यों बोल रहे हैं इसको। ये जो रीजन है ये पार्ट है गोंडवाना लैंड का, जो कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है विश्व की, फोल्डेड माउंटेन रेंज, ये अपने को पता होना चाहिए, फोल्डेड माउंटेन रेंज में से वर्ल्ड की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेज में। और इसके कंटेम्प्रेरी दूसरा माउंटेन रेंज कौन सी बताई थी मैंने एक पिछले लेक्चर्स में, ईस्टर्न घाट, ये दोनों कंटेम्प्रेरी है, ये अपने को याद रखनी ज़रूरी है। ठीक है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो ये धारवाड़ एज अब मिनरल्स पॉइंट ऑफ व्यू से डेक्कन प्लेट्यू में, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर अपन जब पढ़ते हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडियन लैंडमास, तो उसके अंदर धारवाड़ एज अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे अपने को धारवाड़ कहाँ पे है, कर्नाटक के अंदर अपने को पता गोल्ड माइंस हैं, डायमंड माइंस हैं, आयरन माइंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो अपने को ओर्स मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी तरीके से धारवाड़ एज की टाइम की अरावली रेंज मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि अरावली भी एक तरीके से क्या है, म्यूजियम ऑफ मिनरल्स ऑफ राजस्थान। अब राजस्थान को म्यूजियम ऑफ मिनरल्स ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो अरावली इसमें जो पर्टिकुलरली अरावली रेंज है वो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है मिनरल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर बात आती है स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू की, किस तरीके की यहाँ पे रॉक स्ट्रक्चर है। अगर उससे देखें तो ये प्री कैम्ब्रियन स्टाइल है, जिसमें इनको दो ऑर्डर्स में अपन कंसिडर कर सकते हैं, डेली ऑर्डर और अरावली ऑर्डर। ये सिंपल सी याद रखने वाली बात है, डेली ऑर्डर और अरावली ऑर्डर किस क्या बताती है, ये बताती है कि आपकी जो माउंटेन में रॉक्स हैं या इस रीजन में जो रॉक स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो डेली ऑर्डर और अरावली ऑर्डर का है। ठीक है, अरावली रीजन जो है वो राजस्थान का ऑलमोस्ट 9% ऑफ टोटल एरिया कवर करता है, 9% ऑफ टोटल एरिया, पहली बात।
इस रीजन में 10 से 11% यहाँ की टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज रहता है। राजस्थान की पॉपुलेशन जितनी है ऑलमोस्ट 7 करोड़ हो चुकी है, और अभी लेटेस्ट अपडेट अब सेंसस 2021 में होने वाली है। 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर अपन देखें तो ये रीजन 10 से 11% पॉपुलेशन ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, इस रीजन को अपन सब डिवीजन में डिवाइड करें तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सॉरी, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न अरावली रीजन है एक तो, फिर मिडिल अरावली रीजन है, मेवाड़ हिल्स और प्लेटी ऑफ बोराट है, और सदर्न अरावली रीजन है जो अपन ने मैप में अच्छे से देख लिया है। तो इसको अगर अपन डिटेलिंग में स्टडी करें तो सबसे पहले आता है नॉर्थ ईस्टर्न अरावली रीजन। ये जो रीजन है ये आपका सांभर से नॉर्थ ईस्ट राजस्थान तक जाता है। इसको वापस मैप में अगर आकर अपन देखें तो आप देख सकते हैं इस वाले रीजन की बात हो रही है, और सांभर लेक आपकी इस वाले रीजन में आती है, सांभर लेक। जब लेक्स के बारे में अपन डिटेल स्टडी करेंगे तो और अच्छे से लोकेशन देख पाएंगे। बाकी जयपुर नागौर बाउंड्री के लगभग पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन बात करेंगे अभी उत्तरी नॉर्दर्न अरावली के बारे में। ठीक है, नॉर्दर्न अरावली जो है सांभर से नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान तक चलती है। नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान से एक्सटेंड होकर कहाँ तक जाती है, दिल्ली तक। जब अपन ने पहले स्टडी किया तो कहाँ से था, पालनपुर ऑफ गुजरात, वहाँ से लेकर के आपकी दिल्ली तक ही एक्सटेंडेड है अरावली हिल्स। टोटल लेंथ कितनी है इसकी, ऑलमोस्ट 692 किलोमीटर, जिसमें 550 किलोमीटर के लगभग ये किस में है, राजस्थान में। तो राजस्थान कवर करता है 550 किलोमीटर, इसका टोटल है 692 किलोमीटर, स्टार्ट होती है गुजरात से और जाती है दिल्ली तक। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है अच्छे से। जो नॉर्दर्न पार्ट है ये कौन कौन से रीजन को कवर करता है, शेखावाटी में अपने को पता है, पिछली बार अपने स्टडी किया था, शेखावाटी रीजन के अंदर आता है कौन कौन से, सीकर, चूरू, झुंझुनू और स्मॉल पार्ट ऑफ नागौर। तो अरावाटी रीजन दिस इज ऑल्सो कवर्स अंडर सीकर रीजन के अंदर ये आ जाता है, सीकर वाले डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये चीज़ आती है। जयपुर के अंदर हिली रीजन और अलवर की हिल्स, ये सारी नॉर्थ अरावली रीजन के अंदर आती है। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है, ऐसे कैसे है, फैक्ट है ये। कंप्लीट रेंज इज इरोडेड, ये जो पार्ट है ये मैक्सिमम रिमेन्स के फॉर्म में है, ये फॉर्म है वो मैक्सिमम रिमेन्स के फॉर्म में ये पार्ट अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जब अपन डेविशन साइकिल और इनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे, इरोजन के बारे में, तब अपने को आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये जो फॉर्म है ये ओल्ड फॉर्म है। ओल्ड फॉर्म कैसे, मान लो ये माउंटेन्स हैं, ये इरोड हुए, इरोड होने के बाद में क्या हो जाएगा इनका, इरोजन के बाद में ये कन्वर्ट होकर के छोटे छोटे पार्ट्स में इधर उधर टुकड़ों के अंदर फैले हुए रह जाएंगे, जिनको इंग्लिश में अपन बोलते हैं मोनेडनॉक्स। क्या बोलेंगे, मोनेडनॉक्स। ठीक है, मोनेडनॉक्स की फॉर्म में अपने को इधर उधर बिखरे हुए मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है अभी नॉर्दर्न अरावली रीजन की। ठीक है, इस रीजन के अंदर जो इम्पोर्टेंट पीक्स हैं वो है जयगढ़ जिसकी हाइट है 648, नाहरगढ़, भानगढ़, सिरवासा, अलवर एंड ये इनकी मेजर हिल रेंजेज हैं इस रीजन की। इसमें अगर अपन देखें तो कौन कौन सी मेजर रिवर्स फ्लो होती है, तो वो हैं बाणगंगा, ढूंढ, बांडी, ये क्या है, मेजर रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ बनास की। और बनास किसकी ट्रिब्यूटरी बनेगी आगे जाके, चंबल की। अपन आगे जाके और डिटेल में जब रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे तो और आएगी इसकी डिटेल। अब बात आती है मिडिल अरावली की। मिडिल अरावली है वो उदयपुर और अजमेर स्पेशली इनके अंदर है, और इस रीजन को बोला जाता है मेरवाड़ा हिल्स। क्या बोला जाता है, मेरवाड़ा हिल्स। मेरवाड़ा हिल्स है वो मारवाड़ प्लेन्स और मेवाड़ का हिली रीजन। इस रीजन को जो एरिया डिवाइड करता है उस रीजन को बोलते हैं अपन मेरवाड़ा हिल्स। इसको अगर अपन मैप पे देखेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे ये जो मेवाड़ की माउंटेन सीरीज हो गई, ये इधर लूनी बेसिन अपन को पता है। ये जो सेगमेंट है इस पार्ट, इसको जो ये डिवाइड कर रहा है ना, इस डिवीजन को अपन बोल देते हैं मेरवाड़ा हिल्स। ये आपको पता होना चाहिए, मारवाड़ प्लेन्स और मेवाड़ हिल्स इनको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ अपने को याद रखनी है। अब आगे चलते हैं अपन। तारागढ़ माउंटेन अजमेर के अंदर हाईएस्ट पीक आती है इस रीजन की, जो कि
इसकी हाइट कितनी है 870 मीटर्स और जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, वेस्ट ऑफ नाग पहाड़, जहाँ से लूनी नदी ओरिजिन होती है, नाग पहाड़ मिडल अरावली रेंज के अंदर आती है, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चार पासेज है जिससे कि अरावली को आप क्रॉस कर सकते हो, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो उन वो जो पासेज है उनके नाम है बार, पखीरिया, शिवपुर, सुरा। ये घाट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार RPSC पूछ लेती है क्वेश्चन, प्री में भी पूछ सकती है, मेंस में भी पूछ सकती है कि राजस्थान के इंपॉर्टेंट पासेज कौन कौन से हैं जो अरावली के थ्रू आप इधर मारवाड़ से आप मेवाड़ की तरफ एक्सेस कर सकते हो। तो ये चीज़ें अपने को पता होनी ज़रूरी है। फिर बात आती है मेवाड़ हिल्स या बोराट प्लेट्यू, इसके अंदर आता है आपका नॉर्थ वेस्ट ऑफ उदयपुर और जिसमें मिडल पार्ट ऑफ कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ का आपको नाम याद होगा, फोर्ट है यहाँ पे, महाराणा कुंभा ने बनवाया था, जो आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे आगे। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा, गोगुंदा आपको पता होगा महाराणा प्रताप के लिए, आपको इसका आइडिया होगा इस चीज़ का। अरावली रेंज, अरावली रेंज इज कॉल्ड, इस रीजन में जो अरावली रेंज है उसको बोलते हैं प्लेट्यू ऑफ बोराट। आपको पता है प्लेट्यू, प्लेट्यू का मतलब क्या होता है, कोई भी हाईलैंड, कोई भी हाईलैंड दो माउंटेन्स के बीच में भी हो सकता है, एक तरफ माउंटेन फिर प्लेट्यू और फिर प्लेन भी हो सकता है, और वैसे भी कोई हाईलैंड अगर नीचे की टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से अपलिफ्ट हो गई हो, तो इस तरीके से प्लेट्यूज का क्रिएशन होता है। तो अपनी जो ये कंडीशन है वो कैसी है कि ये अरावली रीजन का ही पार्ट है जो कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के रीजन में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोल देते हैं प्लेट्यू ऑफ बोराट। इसके इस रीजन के अंदर दरियाबाद और इसवाल, इन दो रीजन्स को भी कवर किया जाता है। तो इस तरीके से ये पार्ट हो गया आपका प्लेट्यू ऑफ बोराट। फिर बात आती है ईस्टर्न उदयपुर और डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हिल एक्सटेंशन है अरावलीज का, ईस्टर्न उदयपुर और डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट, उसको बोलते हैं मेवाड़ हिल्स। तो इस तरीके से मेवाड़ हिल्स और प्लेट्यू ऑफ बोराट ये दोनों नियर बाई हैं, और मैप में अपन ने देख ही लिया था कि मेवाड़ हिल्स और प्लेट्यू ऑफ बोराट कौन कौन से हैं। इसको मैप में दोबारा देखें अगर अपन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला रीजन अपना मेवाड़ हिल्स और प्लेट्यू ऑफ बोराट आ गया, जो पिंक में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है आपकी सदर्न अरावली रीजन की, साउदर्न अरावली रीजन की। ये हाईएस्ट है और इसकी विड्थ भी ज़्यादा है। कहने का मतलब जैसे ही आप मैप देख रहे हैं तो इस तरीके की शेप आ रही है आपकी साउथ में, तो ये ब्रॉड भी हो गया और हाइट भी इनकी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हाईएस्ट एंड ब्रॉडेस्ट रीजन ऑफ अरावली रीजन है, फाइन। तो ये जो रीजन है ये जैसे जैसे आप सिरोही से डूंगरपुर और बांसवाड़ा की तरफ जाओगे तो इसकी हाइट डिक्रीज होती जाती है, तो माउंटेन्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको पता है बांसवाड़ा और डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आता है, बिल्कुल यूं बॉटम में जो राजस्थान है, तो यहाँ पे तो आपका सिरोही है। अब जैसे जैसे आप इधर जाओगे तो डूंगरपुर फिर बांसवाड़ा ये जो रीजन आएंगे तो इधर हाइट है वो कम होती जाएगी जैसे जैसे आप इस तरफ मूव करते जाओगे, साउथ की तरफ बढ़ते जाओगे, ठीक है। ये जो रेंज है ये सबसे डेंस माउंटेन सीरीज में से एक है, नंबर एक बात। हाईएस्ट पीक जो है यहाँ की, जो अरावली की भी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर 1722 मीटर जिसकी हाइट है, वो यहीं पे लोकेटेड है माउंट आबू में, ठीक है। अदर पीक्स विच आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन दिस रीजन आर शेर 1597, अचलगढ़ ये भी इम्पोर्टेंट है 1380, देलवाड़ा 1422, आबू 2225। इस तरीके से अपन जो माउंटेन पीक्स जिनकी बात कर रहे हैं, आप प्लीज़ उन माउंटेन रेंज की हाइट के अकॉर्डिंग आप डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर उनको लगा करके एक बार याद कर लें, आप टेबल बना लें कि इनकी, जिससे कि आपको याद रखने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि कई बार RPSC प्री के अंदर क्वेश्चन, RAS प्री के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि आप इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाइट आप इस ऑर्डर में आप सेटल करिए और आंसर दीजिए, तो उस तरीके से अपने को थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा और आगे के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और याद करने में ईजी रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है जरगा माउंटेन्स जो हैं वो उदयपुर और राजसमंद एरिया के अंदर पाए जाते हैं, मतलब अरावली माउंटेन्स की जो पार्ट है जो कि
उदयपुर और राजसमंद एरिया में मिलता है उसको बोलते हैं जरगा माउंटेन्स। तो कई बार पूछ रहे थे जरगा माउंटेन्स कौन से रीजन में आता है, तो उदयपुर और राजसमंद एरिया में है, ठीक है, जो कि अपने आप में हाईएस्ट पीक है उदयपुर की और राजसमंद एरिया की। तो जरगा माउंटेन्स के बारे में पता पड़ गया, उदयपुर राजसमंद एरिया में है और हाईएस्ट पीक भी है। इस रीजन की पर्टिकुलरली बात करें तो कौन से की, उदयपुर राजसमंद एरिया की। कुंभलगढ़, लीलागढ़, सज्जनगढ़, कमलनाथ, नागपाणी हिल्स, ये भी इस एरिया की इम्पोर्टेंट सदर्न अरावली की आपकी इम्पोर्टेंट रेंजेज आ जाती हैं। अलग अलग नामों से अलग अलग एरिया के अंदर जाना जाता है, इसलिए इनके नाम अपने को याद रखना एक बार ज़रूरी है, कम से कम एक बार, एक या दो बार देखी हुई तो रहनी चाहिए। यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, रिवर सिस्टम है, वो पैरेलल है, मतलब इस तरीके से चलेगा, एक दूसरे को यूँ ना तो क्रॉस करेगा और एक दूसरे के पैरेलल चलता रहेगा। इसमें अगर सदर्न फ्लो की बात करें, मान लो ये राजस्थान है आपका, ये अपन साउथ वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ से इस तरफ की जो रिवर्स जा रही हैं इनको सदर्न फ्लो बोल देंगे। सदर्न फ्लो के अंदर आपकी कौन कौन सी रिवर्स आ जाएंगी, वेस्ट बनास, साबरमती, पामरी, बाकल रिवर, ठीक है, तो ये इस रीजन से निकलती हैं सदर्न अरावली से, नंबर एक बात। साउथ ईस्टर्न अगर जाएँ तो गोमती और सोम, इस तरीके से, इसी तरीके से यूँ जाएँ, इस डायरेक्शन में जाए साउथ ईस्ट में, तो यहाँ पे इस रीजन से कौन सी नदियाँ ओरिजिन होती हैं, एक तो होती है गोमती, एक होती है सोम। इस तरफ कौन कौन सी जाती हैं, साउथ वेस्ट की तरफ, साउथ की तरफ, जो कि आपकी खंबात की खाड़ी या फिर इधर खंबात की खाड़ी की तरफ, सॉरी हाँ खंबात की खाड़ी की तरफ जाएगी, तो वो है वेस्ट बनास, साबरमती, पामड़ी, बाखल आदि रिवर्स, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, अब बात आती है फीचर्स ऑफ अरावली रीजन, यहाँ के इम्पोर्टेंट फीचर क्या क्या हैं। फीचर्स जानना अपने लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अपन जब किसी भी फिजिकल रीजन के बारे में अगर अपन स्टडी करते हैं, कोई भी डिवीज़न की स्टडी करते हैं, तो वहाँ की फिजिकल फीचर्स जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बारे में डिटेलिंग कई बार मेंस में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आती है क्लाइमेट, क्लाइमेट है यहाँ की, मान लो ये अरावली रीजन है, तो इधर तो यहाँ पे ह्यूमिड है और इधर है यहाँ पे ड्राई, तो यहाँ पे आपकी कंडीशन मिलेगी इन दोनों का मिक्सचर, अरावली रीजन में आपका मिलेगा मिक्सचर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सब ह्यूमिड। कौन सा रीजन है ये, सब ह्यूमिड, सॉरी वन सेकेंड, सब ह्यूमिड, ठीक है, सब ह्यूमिड आपकी क्लाइमेट मिलेगी यहाँ पे। टेम्परेचर जो है समर्स के अंदर तो आपका 28 टू 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है अरावलीज में, और विंटर्स के अंदर थोड़ा डाउन जाएगा 10 टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड। रेनफॉल है वो साउथ में सबसे ज़्यादा रहती है, साउथ में अपने को पता है हाइट भी ज़्यादा है, डेंस वेजिटेशन है, बहुत घने जंगल हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है साउथ वाले रीजन के अंदर। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से वाले रीजन के अंदर बारिश ज़्यादा, स्टेटमेंट ही दे दे, मान लो कि नॉर्थन अरावली रीजन के अंदर ज़्यादा बारिश है इन कंपेरिजन टू सदर्न रीजन, तो वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन देखेंगे साउथ में क्या है, 100 से 150 सेंटीमीटर रेनफॉल तक है, और जबकि सेंट्रल या नॉर्थ अरावली रीजन की बात करें तो उसके अंदर आपकी 40 to 80 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, ठीक है। अब बात आती है वेजिटेशन की, कि यहाँ पे कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। वेजिटेशन की अगर बात करें तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ पे मेनली मिलेगा, जैसा कि अपने को पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके साउथ ऑफ राजस्थान से निकलता है, जो कि डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा को काटती है, ठीक है। तो इस रीजन की अगर अपन बात करें यहाँ, और अपन ने जब बात करी थी फर्स्ट लेक्चर टू के अंदर फिजियोग्राफिक डिवीजन के अंदर, तो मैक्सिमम इन्फ्लुएंस राजस्थान के ऊपर कौन सा आता है, ट्रॉपिकल रीजन का, ठीक है तो सब ट्रॉपिक्स के अंदर, पर यहाँ पे इम्पैक्ट किसका आ रहा है, मैक्सिमम ट्रॉपिकल रीजन का, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रीजन है तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेगा, और इसके अंदर कौन कौन सी आपकी वेजिटेशन मिलेगी, धोकरा, गुल्लर, मैंगो, जामुन, खैर, रोहिड़ा, बेर, और भी बबूल, और ये बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है यहाँ पे। बबूल तो सॉरी थॉर्नी फॉरेस्ट में चला गया, इधर इतना ज़्यादा डोमिनेंस नहीं आएगा उसके लिए, सॉरी। हाईएस्ट डेंसिटी जो है वो आपकी माउंट आबू रीजन के अंदर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल भी सबसे ज़्यादा है। अगर रीजन वाइज बात करें, कोई पर्टिकुलर लोकेशन वाइज बात करें अपन, तो हाईएस्ट रेनफॉल राजस्थान के अंदर कहाँ पे होती है, माउंट आबू में, ये अपने को पता है, न्यूज़ में भी आती रहती है बहुत बार, सर्दी भी यहीं पर पड़ती है सबसे ज़्यादा, ठीक है।
सॉइल्स की अगर बात करें तो सॉइल्स राजस्थान में अलग अलग टॉपोग्राफिकल रीजन की वजह से अलग अलग तरीके की यहाँ पे सॉइल्स मिलती हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट है ब्राउन सैंडी एल्यूवाइल सॉइल जो कि अलवर के अंदर मिलती है। आपको पता है, मैंने बताया था अलवर रीजन क्या है, मैक्सिमम इरोडेड है अलवर रीजन के अंदर जो अरावली है। अब इरोजन हो गया तो माउंटेन्स की हाइट भी छोटी होगी, अब माउंटेन्स की हाइट छोटी होगी तो इरोड हुआ मटीरियल कहीं तो एडजस्ट हुआ ही होगा, और वो जो एडजस्टमेंट हुआ है वो किस फॉर्म में होगा, ब्राउन सैंडी एल्यूवाइल सॉइल के अंदर अलवर रीजन के अंदर ये हुआ है। फिर जयपुर और मालपुरा रीजन, मालपुरा कहाँ पे आ जाता है आपका, टोंक रीजन के अंदर, टोंक स्टेट और टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। तो उस रीजन के अंदर आपकी फ्लड एरियाज की वजह से बहुत सारी रिवर्स फ्लो होती हैं, तो उस रीजन वजह से यहाँ पे एल्यूवाइल सॉइल होती है जो कि बहुत ही फर्टाइल होती है। इंडोगैंजेटिक प्लेन का ये एक्सटेंशन है अपने आप में। अजमेर और वेस्टर्न भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही इस रीजन की बात करें तो यहाँ पे रेड येलो सॉइल जो कि लीचिंग की वजह से डेवलप होती है। वो कैसे कि मान लो यहाँ पे ऑलरेडी कोई पेरेंट रॉक थी, उसका वेदरिंग हो गई, वेदरिंग का मतलब वो डिसइंटीग्रेट हो गए पार्टिकल्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए, तो बारिश होने की वजह से क्या होगा, ये पानी के साथ में जो हल्के पार्टिकल्स हैं उनको तो बाहर ले जाएगी और जो भारी पार्टिकल्स हैं वो पीछे रह जाएगा। तो लीचिंग का एक यहाँ पे अपने को सेगमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। वो भी कब होता है, जब बारिश का सीजन आता है उस टाइम पे। रेड लोमिस सॉइल आपको मिलती है डूंगरपुर बांसवाड़ा रीजन में, मिक्स रेड सॉइल आपको मिलती है बांसवाड़ा चित्तौड़ भीलवाड़ा प्रतापगढ़ रीजन के अंदर। ये जो मिक्स रेड ब्लैक सॉइल और रेड लोमी सॉइल है, ये आपकी मक्का मेज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने को पता होना चाहिए। तभी ये जो रीजन है नीचे वाला, कौन सा, बांसवाड़ा चित्तौड़ भीलवाड़ा प्रतापगढ़, ये रीजन मेज़ के अंदर अच्छी प्रोडक्शन आती है। अभी 2019 में जो 2018 मेंस का पेपर हुआ है RAS का, उसमें ये चीज़ पूछी गई थी कि मेज़ के बारे में आप बताओ, तो ये रीजन अपने को अगर याद है, ये इस एरिया के बारे में अपने को पता है, तो अपन आराम से मेज़ के बारे में लिख सकते हैं उस केस में, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप इग्नोर ना करें। फिर बात आती है एग्रीकल्चर की, अपने को पता है हिली एरिया है मैक्सिमम, तो 44% लैंड एरिया ही आपका एग्रीकल्चर के अंडर में आता है। अरावली का अगर 100% यूनिट अगर लैंड मास है तो उसमें 44% ही आपका किस में आ रहा है, एग्रीकल्चर रीजन के अंदर, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स आप सो करते हैं, वो है ज्वार, वीट, तिल, कॉर्न, मेज अपन ने बात करी थी, शुगर केन, कॉटन, ग्राउंडनट, ये ऐसे कैसे अपने को याद रखनी पड़ेगी। वाटर लेवल है यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि रेनफॉल क्या था अपने को पता है, अच्छा है, ऑलमोस्ट 80-150 सेंटीमीटर तक रेनफॉल रहता है। वन सेकेंड 80 टू 150 सेंटीमीटर तक रेनफॉल रहता है, तो यहाँ पे वाटर लेवल भी अच्छा टेंट जो कि मेन सोर्स है इरिगेशन का, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन मिनरल्स। अब मैंने शुरू में बताया था कि अरावली क्या है, म्यूजियम ऑफ मिनरल्स। आप राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे तो राजस्थान को म्यूजियम ऑफ मिनरल्स बोला जाता है इंडिया का, और यहाँ पे अपन बोलेंगे अरावली को, क्योंकि मेनली अरावली रीजन के अंदर ये मिलता है। और जो मैंने एक चीज़ और बताई थी कि धारवाड़ एज का है, तो धारवाड़ वैसे ही, धारवाड़ जो रॉक्स हैं, धारवाड़ एज की जो रॉक्स हैं वो वैसे ही मिनरल्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है। तो मिनरल्स यहाँ पे कौन कौन से मिलते हैं, तो अरावली रेंज है वो 70% ऑफ टोटल जितना मिनरल प्रोडक्शन होता है राजस्थान का, उतना अरावली अकेली देती है, नंबर एक बात। दूसरा, यहाँ पे कौन कौन से मिलते हैं, लेड और जिंक बहुत इंपॉर्टेंट, रामपुरा, आगुचा, भीलवाड़ा रीजन में, और आपका धूधरा और मंडी रीजन आपका डूंगरपुर रीजन के, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में, जावर उदयपुर के अंदर, दरीबा राजपुरा के अंदर, ये चीज़ें आपको ऐसे कैसे याद रखनी पड़ेगी। फिर बात आती है बेरीलियम। बेरीलियम अपने आप में एक एटॉमिकली एक्टिव एलिमेंट है, तो वो मिलता है आपका उदयपुर, जयपुर और भीलवाड़ा के। आयरन की बात करें तो निमला, मोरिजा, डाबला, सिंगला, बानोल, नाथरा की पाल, नीम का थाना, ये ऐसे कैसे आपको याद रखना है। माइका निकलता है आपका भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर के कुछ पार्ट्स के अंदर। एस्बेस्टोस है वो उदयपुर, डूंगरपुर और अजमेर वाले रीजन में निकलता है। मैग्नीज की बात और अगर अदर मिनरल्स की बात करें तो कौन कौन से अपने मिनरल्स निकलते हैं, मैग्नीज हो गया, पन्ना हो गया, स्टोन हो गया,
स्टोन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स अपन देखते हैं, कोटा स्टोन का नाम सुनते हैं अपन, और ये रेड सैंड स्टोन हो गया, बहुत तरीके के स्टोन्स निकलते हैं जो कि अपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में काम आते हैं, ग्लास हो गया, यूरेनियम हो गया, फेल्सपार, ये निकलते हैं यहाँ पे। और इंडस्ट्रीज़ की अगर अपन बात करें, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स अगर रिच हैं, मिनरल्स के अंदर अगर ये रीजन रिच है तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप होंगी। तो इंडस्ट्रीज़ मेनली यहाँ पे कहाँ कहाँ पे है, उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, अलवर, भिवाड़ी, ये रीजन आपके इंडस्ट्रियल रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर बात आती है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, तो देखो वेजिटेशन बेस्ड आपका वेजिटेबल ऑयल या ऑयल या फिर घी जो आपका वेजिटेबल आता है उसके ऊपर बेस्ड इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, इस तरीके से बहुत सारे इंडस्ट्रीज यहाँ पे एक्सपेंडेड हैं। तो इस तरीके से आज अपना दूसरा सेगमेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन का कंप्लीट होता है, जो कि अरावली रीजन था जिसको अपने चार पार्ट्स में डिवाइड करके डिटेल से स्टडी करी, यहाँ के फीचर्स के बारे में स्टडी किया, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर करेंगे ईस्टर्न फ्लड प्लेन। ठीक है, चलिए देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहें, और राजस्थान की जो अपनी ज्योग्राफी सीरीज चल रही है वो जल्दी से जल्दी अपन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिवली, जिससे कि आपको अदर सोर्सेज पे कम से कम रिलाई करना पड़े, मेरी ये कोशिश रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।